वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जो एक कॉल थी जिन्होंने पूछा था कि तेल की जो एक जो नुस्खा है जो है बता रहा था डॉक्टर सुकैना से, वो लेने से पहले कुछ कॉल ले लूं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहां से? मैं अस्मा इस्लामाबाद से बात कर रही हूं। जी उस्मा, आप सवाल पूछिए। मेरा मसला ये है कि मेरा बीपी बहुत हाई हो जाता है और मैं मुसलसल टेबलेट ले रही हूँ 15 साल से। ठीक है। मैं 16 ईयर की थी जब मेरा बीपी पहली दफा हाई हुआ था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वही गोली खा रही है कि गोली बदली की है डॉक्टर ने आपकी? गोलियां बदली हुई है, मतलब कभी बीपी बहुत ज्यादा जब हाई हो जाता है तो वो 2-3 गोलियां ऐड कर देती हैं और साथ। अच्छा। तो अभी मैं प्रेशर ले रही हूँ मुसलसल सुबह शाम। ओके ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जो ब्लड प्रेशर का मसला और गोलियों का मसला, वाकई कुछ अरसे बाद यही होता है कि मैंने नहीं करती तो चेंज करते हैं। मैंने देखिए नुकसान थोड़ा सा देखा है। लेडीज अपने तौर पे बहुत गलतियां कर रही है, स्पेशली जो मैंने लेडीज को देखा है। अपने तौर पे बीपी की गोली बंद कर दी जाती है, शुगर की गोलियां बंद कर दी जाती है कि हमारे को सही है या सही हो गए छोड़ो। लेकिन तो फिर मुझे एक बात बताएं कि ये जो डॉक्टर लाखों रुपए पैसे दे के बेचारे मेहनत से एक कोर्स करते हैं, इतने साल जाया करते हैं, कंपनी इतनी अच्छे ब्रांड्स बनाती हैं चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे हर्बल हो, कभी भी बीपी की गोली और शुगर की गोली अपनी मर्जी से बंद ना करें और उसे बाकायदा आप डॉक्टर के मशवरे से। और मैंने तो ये जो देखा है अपनी अम्मी के साथ, आजकल मैं अपने हाथ से भी देख रही हूँ, कम ज़्यादा हो सकती है बीपी की गोली बंद नहीं करने की, क्योंकि अचानक देखे स्ट्रेस लाइफ है, चाहे कहीं ना कहीं से बच्चों का आ गया, मियाँ का आ गया, काम का आ गया, तो कोई लाइक बेशुमार कोई नहीं है तो आपके न्यूज ही ऐसे आ जाते हैं कि हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो हमारे पास कोई खुशी की खबरें बहुत कम आती है, दुख की खबरें ज़्यादा आती है जो इस वक्त हमारे मुल्क में ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदा के वास्ते आप लोग जो है ना बीपी की और शुगर की गोली अपनी मर्जी से ना बंद करें। अब इसका जो एक नुस्खा आपने कई दफा बताया प्रोग्राम में ब्लड प्रेशर का, अब ये जो लेडी है हो सकता है इनको गरम लगे, हो सकता है गरम लगे, तो वो ठीक कैन स्टार्ट विद दैट कि वो नुस्खा हम आप बता दें साजिद को तो वो लगा दें। बिल्कुल प्रोड्यूसर साहब, आपके पास अगर नुस्खा लिखा हुआ है तो वो लगा दीजिए स्क्रीन पे जो ब्लड प्रेशर की कंट्रोल का। अदरक लहसुन मैं फिर भी रफली बता देती हूँ, अदरक देसी अदरक को स्किन के साथ, लहसुन हो देसी इसके साथ, आप अगर आंवला हाथ लग जाता है तो ऑप्शनल है, कोई टेंशन नहीं है, आप इसके साथ एप्पल साइडर विनेगर ले लें, इसके साथ आप हनी ले लें और इन सब का प्योर जूस निकालें और उसको लौंग दालचीनी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दें और धीमी आंच तक पकने दें, पकने दें, जब आधा हो जाए तो उसको छान के उसको बॉटलों में भर दें। अभी बहुत सारे लोगों ने इसी नुस्खे को अलग अलग फॉर्म में बोलना शुरू कर दिया कि इसे वेट रिड्यूस हो जाता ही होता है, तो मैं ये बताऊं कि इसे वेट भी यूँ रिड्यूस होता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो नॉर्मल होने लगेगा तो वो चर्बी का बढ़ा हुआ जिस्म था इसीलिए कोलेस्ट्रॉल आया, तो जैसे जैसे आपकी चर्बी पिघलेगी इस प्रोसेस से, लेकिन ये सबको सूट नहीं होता, जैसे मुझे नहीं होता, आई कैन नॉट टेक इट, इवन माई सन कैन नॉट टेक इट, वी हैव टू टेक द थिनर्स एंड ऑल दोस, वो टेम्परेरी होते जो भी हम लेते हैं। तो वॉक और एक्सरसाइज उसका बेस्ट रास्ता है और जिनको बीपी रहती है उनको गुलाब चलते फिरते खाना चाहिए तो बीपी कम डाउन हो जाता है। अच्छा, एक सवाल जो है वो रह गया था उसका जवाब कि उन्होंने कहा कि उनके बेटे के पसीने की बहुत स्मेल है। हाँ देखिए, उन्होंने रीज़न भी खुद ही बता दिया कि कब्ज रहती है। कब्ज के 3 या 4 रीज़न होते, एक तो फैमिली इनहेरिटेंस से आ रहा है कि चलो यानी सदियों से आ रहा है, लेकिन एक तो बच्चा खेल रहा है और पानी भी बराबर पी रहा है तो वो थोड़ा ज़्यादा पानी का इंटेक करे, क्योंकि जब पानी जैसे ही कम होता है आपके कॉन्स्टिपेशन में बाउल सिस्टम में चिकनाई ख़त्म हो जाएगी, ब्लेंडर में आप कितना भी माल डालें जब तक वाटर नहीं डालेंगे ब्लेंडर नहीं चलेगा, इसी तरह सिस्टम पेट का होता है, तो पानी का इंटेक करें। और दूध, इस किस्म के बच्चों को दूध भले नहीं सूट होता है, कुछ भी हो जाता है गर्म दूध पिलाए, लेकिन दूध के बारे में अक्सर कहते हैं अगर गर्म ना पिए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नहीं, जरूरी नहीं है, जैसे मैं तो नॉर्मल भी दूध पीती हूँ तो मैं I'm कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ मेरा नाम ताहिरा जावेद है जी। मुझे डॉक्टर सुकैना से पूछना है कि मेरा बच्चा है 4 साल का, तो वो खाता पीता भी कम है, अब जरा वो बीमार हुआ, बुखार वगैरह उसको हुआ, तो वो अब उसने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया, चिड़चिड़ा हो गया है,
इस सिलसिले में मुझे मालूम करना था। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बच्चे की भूख खोलनी है। अच्छा, अभी क्या होगा कि अभी इधर थोड़ी सी मम्मी की भी थोड़ी सी गफलत बढ़ने में मैं बताऊंगी कि अभी बच्चा कुछ नहीं खाता है तो हम कोई चिप्स खा लिए बाजार के या कोई भी कचरा वो मैदे के आटे की कोई भी चीज़ खा ली, एनी काइंड ऑफ सिलीज वो लोग ने खा लिया। तो आपको ये बता दूँ, जब तक उन चीज़ों में सोडा नहीं पड़ता तब तक वो चीज़ हो यानी वो फर्म नहीं होती और उसके फूलापन नहीं आता है। इवन चावल का आटा भी तो वो नुकसानदेह होता है। तो हम ये खुश नहीं होने का। लेकिन आपको एक मैं बात बताऊं कि एक तो माएँ वो थी पीछे ले लेके प्याला घूम रही है, खाओ खाओ खाओ, वो बच्चा नखरा करेगा। आप कभी भी कोई भूखा नहीं सो सकता है, कभी भी उसके सामने रख दें, बस खा आप उसके सामने रख दें और दिल गोइंग टू ईट। लेकिन क्या रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या वो मैदे के आटे की चीज़ें रख रहे हैं, क्या आप अच्छी चीज़ें रख रहे हो। आजकल के बच्चे ना थोड़े से चटोले टाइप के आए हुए हैं, शक्ल भी इंटरेस्टिंग हो तब वो आइटम्स होने चाहिए, टॉप ऑफ दैट उन्हें लुक्स उसका अच्छा होना चाहिए। तो टेम्पटेशंस के साथ रखें और काला नमक उधर ज़रूर डालें उस चीज़ पर और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। अभी बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के आगे के दांत तो आ जाते हैं, बैक के दांत काफ़ी देर से निकल रहे होते, तो इस माँ को चेक करना चाहिए कहीं बैक के दांत। सही, बिल्कुल। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रही हूँ और कहाँ से? मैं जी मिसेज नवीद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कहिए मिसेज नवीद। मेरी जी बेटी की उम्र है 13 ईयर्स। ठीक है, माशाल्लाह। तो वो शुरू से ही पहले दूसरे साल से ही उसे नकसीर का बड़ा प्रॉब्लम है। okay. और मैंने बड़ा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी किया, एलोपैथिक भी किया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। okay. और अब खैर से आपको पता है उसके ये पीरियड्स भी शुरू हो चुके हैं। तो अब जब ऊपर से नकसीर भी आती है ना जब, तो वो तो बच्ची पागल एग्जॉस्ट हो जाती है। सही है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अब जो नकसीर का मसला है तो इसके मेरे साथ बचपन में था, व्हेन आई वाज यंग, जरा धूप लगती थी तो मुझे नकसीर शुरू होती थी। तो आई रिमेम्बर एट दैट टाइम कि ये थोड़ा सा वर्षों से वर्टे को आगे जाके फ्यूचर में चांसेस होते। जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी जिंदगी के साथ, दैट प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम माई ईयर, कान की वजह से। लाइक कि मम्मा को भी वर्टे होता तो कान का ही उसमें टेंशन आता था। तो आई स्टार्ट डूइंग व्हाट आई डन विथ माय मॉम। मैं मम्मी सो नहीं सकती थी वर्टिगो की वजह से, तो मैं क्या करती थी, गुलाब देसी ला के फ्रिज में रख देती थी, उसमें डिप करके उसको पानी यानी कंघी चलाती रहती थी ताकि मम्मी सो जाए रात को। कभी डेढ़, कभी वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी क्योंकि वो इतना उनको ये मसला होता था वर्टिगो का। तो नकसीर मुझे भी रही वो वर्षों में, मैं समझ रही हूँ शायद एलर्जीज इतनी ज़्यादा कि ये सब सिस्टम बंद है। अब इसके लिए जो मैंने आपको बताया, इधर हम एक सॉफ्ट सा खोपड़े का तेल का एक सिस्टम बताएंगे कि आपने खोपड़े का तेल लिया, उसमें आपने बहुत तरह तरह के फूल, ट्यूलिप्स मिल गए, मोतिया मिल गया, गुलाब मिल गया, ये सारे दुनिया के फूल आप इसके जो है ना ब्लेंडर में एलोवेरा के साथ पकाएं और ब्लेंड कर लें और उसको यानी सब फ्रेश हो और उसको कोकोनट ऑयल में डाल के इसको धीमी आँच पर चूल्हे पर रख दें। ठीक है, जब पक पक के देखें, हल्की सी देखें कि अब ये बिल्कुल ब्राउन होने लगी है, जो चीज़ें उसकी सब सब बर्निंग यानी उसमें ताकत चली गई है कोकोनट ऑयल में, तो उसको छान लें और ये वो एक लेस सा निकलेगा, आप उसे देखिएगा। उसे क्या करना है, आपने ब्लू बॉटल्स में डाल के धूप में रख देने का है। अब ब्लू बॉटल थेरेपी का वाटर भी पीना, यानी फ्रेश उस ब्लू बॉटल में पानी भी बनाया आपने, और एट अ टाइम आपने वो जो तेल है नाक में उंगली भर के लगाई, आपने कान में भी अंदर दगाई, और वो जो दूसरे जो बता रहे हैं कि हमारे सर में दर्द है ENT, तो लाइक आप उसके चेहरे पे भी मसाज करें, आराम है और सर में जैसे जुमे देखते हैं ऐसे बाल खोल खोल के और इसके सेंटर में डाल के उसको यानी कि आप उसको ये मसाज करें, नाखून नहीं होने चाहिए, टिप्स से मसाज करेंगे यानी उस जगह पर, और हो सके तो डेली रूटीनली रात को और उस सर सुबह में पानी से धोएं यानी उसको शैम्पू कम करें। अच्छा, एक तेल का तरीका बताई थी जिन्होंने कहा कि उनके सुसर को फालेज है और उसके ऊपर कौन सा तेल लगाएं। जो बच्ची का है कि उनकी वो सुन हो जाती है। अभी देखिए ये इनिशियल स्टेज पे मैं उस बच्ची को तो एडवाइस करूँगी कि कोई हार्ट स्पेशलिस्ट के पास उसको जाना चाहिए या ENT का एक, हाँ, लेकिन ये कि वो जो पहले जो फॉर्मूला भी मेरे ख्याल से आ चुका है। हाँ। तो हम इससे अभी बात करते हैं कि जैसे कि ये, हाँ, ये तेल जो है ना बताना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ जिस तरीके से। अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कबूतर मारा उसका तेल, इतना खून इतना गर्म होता है, लेकिन वो इस मुल्क के लिए नहीं है।
वो ठंडे मुल्क के लिए तरीके कार होते हैं। तो काला बिल्कुल जंगली कबूतर जिसको आप बोलेंगे, वाइट कबूतर घर के पले हुए नहीं, वो जरा सा घूम के आ जाते हैं, जो काले होते हैं वो घूमते हैं, तो उसकी हीट ज्यादा होती है। तो आपने क्या किया कि मालकंगनी का तेल बाजार से खरीदेंगे नहीं, अगर मालकंगनी के बीज सब जगह अवेलेबल है, लेकिन ये तेल इतना एक्सपेंसिव पड़ता है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत फास्ट है, नहीं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल में भी बना सकते हैं, ऑप्शनल आपके पास है। अब इसके अंदर आपने अंदाजन 1.5-2 किलो तेल ले लिया, उसके अंदर आपने 2 कबूतर अभी ताज़े ताज़े लें, हल्का सी धार मारे उसके गले पे, वो तड़प रहा होगा, उसको कपड़े में बांधे और वो तड़प तड़प के थोड़ा से जैसे डेड होने लगता है, जिस तरह बकरा मुर्गी ज़िबा करते उस तरीके से, तो वो पूरे का पूरा लॉन के कपड़े में बांधे 2 कबूतर को और उसको उस तेल में डिप करें एक देखचे के अंदर। तांबे का बर्तन होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये हर पैरालाइजिंग, घुटनों के दर्द, एनीथिंग फेशियल पैरालाइजिंग, सुन होना, ये सब के लिए काम कर रहा है। तेल जो है फिर अब ये तेल पर आपने 2 कबूतर डाले, कच्चे पक्के मरे हुए जिसको आप बोलेंगे, मेरी लैंग्वेज यही है, तो उसके अंदर वो खून छोड़ता जाएगा और उसकी हड्डियों में, उसके परों में जितनी ताकत है वो भी उसमें पकने में जाएगी ठीक ठाक। आपने उसमें एलोवेरा डाला, फिर इसके अंदर आपने 100-200 ग्राम जैसे अंदाजन में, ये सब अंदाजन होता है, अजवाइन आपने उसमें डाल दी, दालचीनी डाल दी, इसके अंदर लौंग आपने डाल दिया और ये सारी चीज़ें डाल के आपने दी, और रूट भी चुकंदर आपने इसमें डाल दिया कि एक नेचुरल स्किन के पोर्स के ज़रिए उसको एक नेचुरल ब्लड एनर्जी जाती रहे, और इसके साथ थोड़ी सी पालक, उसमें भी कुदरती एंजाइम बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो बायो सॉल्ट भी पालक में होते हैं खून बनाने के साथ साथ। आपने सबको ढकना मार के, और तांबे का बर्तन होना ज़रूरी, धीमी आँच पर पकाया, 2-3 घंटे पकाया, फिर छोड़ दिया, फिर वापस 1-2 दिन, ये 3-4 दिन लगते हैं। आपने इसको जब बिल्कुल पक पक के वो चीज़ें जलने लग गई तो उसको छाना और रेड बॉटल्स में रखना है, रेड बॉटल्स में। अब आपने ये रेड बॉटल्स आपने बाहर रखी धूप में, उसको एयर लॉक किया, और जब भी आप ये यूज़ कर रही हैं तो ये आपने उस तेल से किया, और उसको यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं, अभी हम अगले इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि एक आउटडोर आपको दे दिया जाए। वैसे ही जो जो फालिज के मरीज थे जिनके भी हाथ उंगलियां रह गए हैं, तो देखिए, और एक और भी होता है, अगर मुझे इसको मेरी उंगलियों को फोकस किया जाए तो यूं मालिश नहीं होगी क्योंकि ये डक्स आपके डिस्टेंस और आ जाएगी, तो आपने यूं देखिए यूं हाथ रखा, खुद को भी कर सकते हैं और यूं उठाएं, ये मेरा हाथ इसके नीचे रखा, यूं ना कीजिएगा क्योंकि फिर ये आपके डिस्टेंस आ जाएगा। तो व्हाट यू डू दिस, गो विद दिस पोजीशन। अगर आपको मैं एक और भी बात बताऊं कि नेट पर आप सर्च करें मसाज, सर्च करें, आजकल तो इंटरनेट इतने अच्छे आ रहे हैं, गलत चीज़ों की बजाय अच्छी चीज़ों की तरफ जाए, उधर भी ये मसाजेस सिखाए जाते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे कॉल लेती हूँ, फिर ब्रेक का वक्त हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से? हिना बात कर रही हूँ, नवाबशाह से। जी हिना, कहिए। जी डॉक्टर साहब से बात कर। जी जी, आप सवाल पूछिए। बिल्कुल, मुझे ना गले में बहुत टॉन्सिल्स होते हैं और गले में ना छाले निकल आते हैं और जबान से बहुत छाले निकल आते हैं। आपने कभी उम्र में कोई टाइम पे सुपारियां खाई है? बहुत कम, ज्यादा नहीं खाई, और ना नजला भी बहुत, काफी 1 साल हो गया नजला भी रह रहा है। ओके, हम आपको गाइड करते हैं। ठीक है ना, आपका बहुत शुक्रिया। हिना ने कॉल किया था, नवाब शासन का सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके और बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त क्यू में है वो भी लेंगे। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।